केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रिएक्शंस। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस में होता है दो पार्ट, केमिकल रिएक्शंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स, एंड जो उनको रिएक्ट करके बनता है व्हाट इज इट, इट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स होंगे या तो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे, दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वी हैव मैग्नीशियम, हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है और हम इसे बर्न करेंगे, हम इसे बर्न करेंगे, हम इसे करेंगे बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, इट विल टर्न इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शन में एक खास बात क्या है, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। इसमें रिएक्टेंट्स क्या होगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, देन इट बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम। और ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये होता है एक तरह का व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। ओके, मींस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। ओके, अब क्या है, अब रिएक्शन करने के बाद इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया जाता है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, है ना, सभी ने पढ़ा है स्कूल में इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। फिर ये एग्जांपल लेते हैं हम, एम जी प्लस ओ टू, एम जी ओ टू ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं, बेसिकली जब एम जी प्लस ओ टू कंबाइन करते हैं ना, तो यहां पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एम जी ओ, एम जी ओ होता है, ठीक है, और यहां पे भी होगा एम जी ओ, एम जी ओ। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का वन है, यहाँ पे मैग्नीशियम का वन है, इधर मैग्नीशियम का वन है, लेकिन मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए वी विल पुट मैग्नीशियम के साथ टू और इधर भी टू, अब हो गया बैलेंस्ड। अब देखो दोनों साइड, मैग्नीशियम के दो, मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो, ठीक है, देखो ऐसे लिखा ना हमने, टू एम जी ओ, ये टू ना दोनों के लिए होगा, दोनों के लिए काउंट किया जाएगा, एम जी के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। इसका मतलब जो एम जी ओ है वो ट्वाइस है, दो बार है ये। ओके, इट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब एक एग्जांपल और देखो, हम करेंगे ऐड जिंक, जिंक को रिएक्ट करवाएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या होगा, इसमें बन जाएगा जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, जिंक का एक, जिंक का एक, एस ओ फोर, एस ओ फोर, यानी ऑलरेडी बैलेंस चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना आपने, जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो होती है एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी, क्या होती है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वहां पे क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, एवोल्यूशन ऑफ एच टू गैस। ओके, नेक्स्ट वी हैव
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी क्या है, हमने देख लिया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और बैलेंसिंग देख लिया बैलेंस कैसे करना है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यू ऑल माइट हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले उनमें करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। कॉम्बिनेशन में ये होता है ना, आपस में चीजें मिलती हैं, कंबाइन करती हैं, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसमें क्या करेंगे, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम। इनके नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेट लाइम। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक, मीन्स जो केमिकल रिएक्शन यहां पे हो रही है, जो केमिकल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रो वाटर के साथ मिल रहा है, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज, इसके ऑपोजिट एंडोथर्मिक होता है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, जिसे हम बोलते हैं स्लेक लाइम, इसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग देखिए ना, व्हाइट वॉशिंग होती हुई देखिए कैसे होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, तब क्या होता है, ये जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब जो चमक है वो देता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देता है शाइनी फिनिश, है ना, देखिए ना व्हाइट वॉशिंग, चमक आती है लास्ट में, उसी से आती है कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, क्या ये कॉम्बिनेशन की एग्जांपल हो सकती है, कॉम्बिनेशन की एग्जांपल है ना ये भी, ठीक है याद रखना इसे भी। और एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं, और एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यही है ना, लकड़ी जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लकड़ी क्या है, कार्बन ही तो है, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और जब हाइड्रोजन में वाटर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, है ना, सिंपलेस्ट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की सिंपलेस्ट रिएक्शंस हैं। और एक्सोथर्मिक बता दिया क्या होती है, जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक की थोड़ी और एग्जांपल लिख लो, एक्सोथर्मिक की थोड़ी सी और एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि मीथेन, मीथेन को अगर हम बर्न करेंगे यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। ठीक है,
और क्या होता है, और जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, ग्लूकोज C6H12O6, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो अभी क्या होता है, वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी एक तरह की, उसमें भी हीट निकलती है, होता है ना। आप रेस्पायर करते हो तो गर्म हवा निकलती है, रेस्पिरेशन गर्म हवा निकलती है ना, इसीलिए होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक है रेस्पिरेशन हमारी। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, यानी C6H12O6+6O2। अब इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड आवर बॉडी टू फंक्शन। ओके, तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के अंदर हमने कर लिया एक्सोथर्मिक। ठीक है, दो टाइप्स की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकॉम्पोजिशन मीन्स डीकम्पोज होना, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा, आगे फर्दर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन होके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देगा। क्या होता है इसमें, एक रिएक्टेंट और क्या होगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे P1 P2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, हमारे पास फेरस सल्फेट है, और ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के होते हैं, फेरस सल्फेट इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है वैसे फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अब जब हम इसे हीट करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे देन इट विल ब्रेक डाउन इंटू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज फेरिक ऑक्साइड। ये है एग्जांपल डीकॉम्पोजिशन की, जब फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन होगा इनटू Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिमिलरली लास्ट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो देता है हमें शाइनी फिनिश वाइट वॉशिंग के बाद, जब हम उसे गर्म करेंगे, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो भी ब्रेक डाउन होता है इंटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अभी कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, ये था क्विक लाइम जो सबसे पहले था, जिसमें हमने वाटर ऐड किया वो बन गया स्लेट लाइम, फिर स्लेट लाइम से आगे हमने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट बाय रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो और जब भी व्हेन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी कोई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो रही है, यानी अगर वो गर्म करके ब्रेक डाउन हो रहा है तो वी विल कॉल इट थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके,
इसकी एक और प्राइम एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन की, वो है जब हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट PbNO3 twice, इसको हम हीट करेंगे एंड वी विल गेट लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और इसमें खास बात है, जो हमारे पास ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली है ना, इट विल बी ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स मीन्स इसकी ब्राउन लपटें होंगी, जैसे आग की लपटें होती है ना येलो, इसकी ब्राउन होंगी, ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, व्हेन व्हेन वी विल हीट लेड नाइट्रेट। अब और तरह की डिकम्पोजिशन होती है विद हेल्प ऑफ सनलाइट, ये तो हमने देख लिया विद हेल्प ऑफ हीट, जिन्हें बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन जब डिकम्पोजिशन होगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उन्हें बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, जब ये सनलाइट में जाएगा अब क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू यानी इट विल डीकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी तरह AgBr होता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी सेम सनलाइट क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन अलग। इन दोनों को बोला जाता है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज दे आर डीकम्पोज विद हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इन दोनों रिएक्शंस की एक खासियत है, दीज बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये जो हमने फोटो वाली करी है, ओके फोटो डीकम्पोजिशन वाली। ठीक है, वी हैव डन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन, नाउ वील डू थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, वी हैव आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इनकी रिएक्शन होगी। अब क्योंकि जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होगा, जो आयरन होगा वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल बी लाइक आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब कॉपर अकेला हो गया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर बना लेगा कंपाउंड एंड इट इज आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और एग्जांपल देख लेते हैं, लेड, लेड को हम रिएक्ट करवाएंगे विद कॉपर क्लोराइड। अब क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो लेड क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा और Cu हो जाएगा अकेला। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बिकॉज Fe एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव डन डिस्प्लेसमेंट, अब करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड्स के जो मेटल आगे लगा होगा वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। एग्जांपल बताता हूँ मैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, वी हैव टू कंपाउंड है ना। अब क्या होगा, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, सोडियम बेरियम को और बेरियम सोडियम को। अब यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सभी को पता है सॉल्ट, इसमें ऐसे हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास बेरियम सल्फेट बनाया, ये बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। एंड द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर इन्वॉल्व, इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स इन्वॉल्व होंगे हम उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। जब भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ, किसी भी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी हमें से क्या बोलेंगे, क्या हो गया इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर किसी रिएक्टेंट के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे ये बन गया कैल्शियम, इधर आ गया ये, ठीक है, इससे क्या हुआ, देखो इसके पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब क्या हो गया ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी इस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। और इधर क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो रिडक्शन है, रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है हम उसे बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, उसकी रिडक्शन होगी, और अगर रिमूवल हो गया तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या आया, ऑक्सीडेशन में दो चीजें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये आया ऑक्सीजन में। किसी भी रिएक्टेंट के साथ ये होगा तो वी विल कॉल इट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, रिडक्शन में आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगी दो तरह की, और जहां भी जिस भी रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो गए, जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो जाएं
वी विल कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो जाएं, उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके एग्जांपल देखते हैं। वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट करेंगे वी विल गेट कॉपर प्लस वाटर। अब देखो कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो वी विल कॉल इट रिडक्शन। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ गए? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कोरोजन। मतलब कोरोजन, रैंसिडिटी, ये रिएक्शंस होती हैं, लेकिन दे आर अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ, कोरोजन, कोरोजन, ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ, कोरोजन आप सभी ने देखी है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग, रस्टिंग, जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, राइट? वो क्यों लगती है? बिकॉज आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, फिर क्या होता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, इट इज नोन एज कोरोजन। और एक किसकी एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है, बिकॉज आयरन में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्राउन कोटिंग जिसे बोलते हैं रस्ट ऑन आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब देखो कोरोजन हुई, सिल्वर की भी कोरोजन होती है, देखा होगा आपने जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, देखा है ना? क्यों होते हैं वो? बिकॉज जो सिल्वर है, सिल्वर इट रिएक्ट विद सल्फर, इट रिएक्ट विद सल्फर, द सल्फर विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इट रिएक्ट विद सल्फर विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसे क्या होता है, उसे बनता है सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का होता है। सिमिलरली हमारे पास कॉपर होता है, पीतल के बर्तन, थोड़े टाइम बाद वो ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, बिकॉज उनकी भी ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कोटिंग का होता है, इसलिए जो हमारे पीतल के बर्तन है दे गेट अ ग्रीन कोटिंग बिकॉज दे रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। सिमिलरली रस्ट, रस्ट सबसे प्राइम एग्जाम्पल, रस्ट क्या करेगी? ऑक्सीजन और वाटर, वाटर के साथ भी करती है, तो क्या बन जाएगा ये Fe2O3, रस्ट, फेरिक ऑक्साइड। ओके
दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोजन। और होती है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। देखो ये तो हमने क्रोजन तो हमने देखी मेटल्स में, मेटल्स में जब ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर क्रोजन होगी ठीक है तो वो खराब हो जाएंगे। उसी तरह जब जो हमारी एडिबल चीजें होती हैं, खाने वाली चीजें जिनमें फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाए, जब वो खराब हो जाता है उसे बोलते हैं रैंसिडिटी, यानी वो चीजें रैंसिड हो गई, खराब हो गई। ठीक है, यानी जो एडिबल चीजें हैं, जो खाने वाली चीजें हैं जिनमें फैट होता है, ऑयल होता है, अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो वी कॉल इट रैंसिडिटी, यानी दे बिकम रैंसिड, वो खराब हो जाते हैं। देखो व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। एंड टेस्ट चेंजेस, इसीलिए जो पैकेज आइटम्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल चिप्स, फॉर एग्जाम्पल चिप्स, अब चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें डाली जाती है नाइट्रोजन ताकि उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए, ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, उनकी रेंसिडिटी हो जाएगी, वो खराब हो जाएंगे, है ना, अगर जल्दी खराब हो गए तो उनकी बिक्री कम हो जाएगी, इसलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनमें क्या ऐड किया जाता है, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल बैग ऑफ चिप्स इज फिल्ड विथ गैस लाइक नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हमने देखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड एट लास्ट रिडॉक्स।